क्विक सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महन। ये स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। यदि आपको कोई सवाल या कोई क्वेश्चन जो है पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं एक क्विक सक्सेस सेंटर के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें मैं उन बच्चों को जितने भी सवाल हैं जितने क्वेश्चन हैं जो उनको प्रॉब्लम होते हैं मैं उनका सॉल्यूशन बताते रहता हूँ। यदि आपको इस ग्रुप में जुड़ना है तो आप हमें ज्वाइन स्पेस अपना नाम लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज देंगे। आज मैं आप लोगों को दशमलव बताने जा रहा हूँ। दशमलव बहुत ही छोटा आसान टॉपिक है, ज्यादातर लोग उसे बना लेते होंगे, लेकिन जो नए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। इस वीडियो में मैं दशमलव और भिन्न दोनों का अंतर स्पष्ट करूंगा। दशमलव को कितने भागों में विभाजित किया गया है उसे बताऊंगा, जैसे रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। उसके बाद मैं दशमलव से संबंधित सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी आपके डाउटफुल क्वेश्चन हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक 5 मीटर का कपड़ा है, ये 5 मीटर का कपड़ा है, यहां हम इसको लिख देते हैं 5 मीटर, और इस कपड़े में से आपको 2 मीटर हम जो है वो काट करके अलग कर देते हैं। तब आपके पास 5 मीटर कपड़ा को दो भाग में हो गए, एक भाग हो गया आपका 2 मीटर का और दूसरा भाग हो गया 3 मीटर का। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि 2/5। 2/5 का मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 मीटर कपड़ा था और 2 मीटर जो है वो अब आपके पास है, मतलब 5 5 मीटर कपड़ा में से आपके पास 2 मीटर है और दूसरा भाग हो गया आपके पास जो है वो 3/5। यानी कि ये 5 मीटर कपड़ा पहले आपके पास था और अब आपके पास जो है वो 2 ही मीटर कपड़ा जो है वो, सॉरी, 3 ही मीटर कपड़ा जो है ये है। तो 3/5 और 2/5 का मतलब जो है यही होता है। अब देखिए इसको हिंदी में जो है वो 2/5 को ये ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। इंग्लिश में जो है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और दशमलव जो है हमारा यहीं से जो है ये शुरू होता है। अब देखिए हम इस पहले का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये मेरा 2/5 हुआ, यानी कि अब हमको जो है 5 से जो है वो 2 को विभाजित करना है। ठीक है, देखिए हम इसको विभाजित करते हैं, तो यहां पर मेरा जो है 5 से 2 जाएगा नहीं, तो यहां पर एक हम जो है वो दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ एक मेरा वो जो है 0 आ जाता है। अब मेरा 4 बार में आ जाएगा 20। तो ये मेरा हो गया, ये दशमलव हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमको जो है ये दशमलव 4 को हम इसमें, अब देखिए ये भिन्न को हम दशमलव बदल दिए, अब हम चाहते हैं कि दशमलव को जो है हम भिन्न में बदलें।
तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए जो है वो हम अब देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो ये मेरा अंश में ऊपर चार लिख देते हैं और दशमलव के बाद मेरा एक अंक है, तो एक पर हम जो है एक जीरो बैठा देते हैं, तो मेरा 4/10 हो गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें से जो है वो कटता है कि नहीं कटता है, तो देखते हैं कि 2 से मेरा कटता है, 2 से दोनों संख्या कट जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 बटा 2 × 5, और ये मेरा 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा 2/5। उसी तरह अब एक हम ये इसका उदाहरण ले लेते हैं, तो ये मेरा है वो 3/5 है, तो अब हम इसको 5 से जो है विभाजित करते हैं 3 में, तो यहां दशमलव हो जाएगा। अब 6 बार में मेरा जो है वो 30 हो गया है, तो मेरा ये दशमलव 6 जो है इस फ्रैक्शन का, इस भिन्न का जो है वो मेरा दशमलव में चेंज करेंगे तो मेरा 0.6 आ जाएगा। अब इसको हमको भिन्न में चेंज करना है, दशमलव को हमको भिन्न में चेंज करना है, तो जैसे हम ये वाला क्वेश्चन किए हुए उसको भी यहां भी करते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 6, अब बटा दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पर मेरा जो है 1 0 बैठा देंगे। इसमें भी देख रहे हैं कि मेरा 2 से जो है वो दोनों कट रहा है, तो 2 × 3 और 2 × 5, ये मेरा कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 2/3/5। आगे हम दशमलव को 2 भाग में बांट देते हैं। अब दशमलव को 2 भाग में बांट देते हैं, तो मेरा जो है ये मेरा डेसिमल हो गया, इसको हमको 2 भाग में बांट देते हैं, तो एक मेरा टर्मिनेटिव डेसिमल हो गया और दूसरा हो गया मेरा नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल। अब टर्मिनेटिव डेसिमल किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल किसको कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम जो है वो अगले वीडियो में देंगे, लेकिन हल्का सा हम इसका जो है वो जानकारी हम दे देते हैं। टर्मिनेटिव डेसिमल उसको कहते हैं कि जो आगे जाकर टर्मिनेट हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाकर के मेरा वो रुक जाता है। जैसे ये मेरा हम 5 से हम जो है वो 2 में भाग दिए तो ये मेरा 0.4 आया। यहां भी देखिए, इसको हम जो है 3/5 को हम जो है 5 से विभाजित किए तो ये मेरा 0.6 आया, तो ये मेरा टर्मिनेटिव दशमलव हो गया, क्योंकि ये आगे हम आगे जा करके रुक गया, ये इसके ज्यादा हम आगे हम नहीं जा सकते हैं, जाएंगे अभी तो मेरा 0 ही 0 आएगा। तो टर्मिनेटिव दशमलव का उदाहरण हो गया मेरा 2/5, 3/5, ये सब जो है ये हो गया। नॉन टर्मिनेटिव दशमलव का उदाहरण हो गया जैसे हम 1/3 लिखते हैं, 1/3। अब यहां देखिए, हम 3 से हमको जो है विभाजित करना है 1 में, तो 3 से मेरा 1 जाएगा नहीं, तो यहां डेसिमल 1 देंगे और यहां 1 0 बैठाएंगे, तो 3 बार में मेरा जो है वो जाएगा मेरा 9, फिर मेरा 1 आ जाएगा, तो फिर यहां जो है 0 करेंगे और फिर मेरा 3 बार में जो है वो आएगा 9, फिर 1 आया, फिर हम 3 बार में जो है वो 0 बैठा के करेंगे तो मेरा 9 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये मेरा जो है वो नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल हो गया है, क्योंकि ये आगे बढ़ते चला गया, ये कभी जो है ये इनफिनाइट तक चलते चला जाएगा, ये आगे बढ़ते हुए चले जाएगा ये। तो
ठीक है। और दूसरा उदाहरण है मेरा 1/6, 1/6 को भी करेंगे तो उसी तरह ही आएगा। और नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल को भी दो भाग में बांट दिए हैं, ठीक है। और यहीं से मेरा रेकरिंग भी शुरू हुआ है, तो ये मेरा रेकरिंग हो गया, ये 0.3 कंटिन्यू चला गया। तो रेकरिंग को हम इसको ऐसे लिखते हैं, 0.3 पर ऊपर आगे या तो बिंदु दे देते हैं, नहीं तो कहीं कहीं किताब में आपको जो है वो डैश मिलेगा। तो ये मेरा रेकरिंग हो गया, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पर देखते हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए पहले प्रश्न में क्या है कि हमको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये 3 को हमको जो है, 3 संख्या है और डेसिमल में है और उसको हमको जो है वो जोड़ना है। तो यहां देखिए, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है और दूसरे में मेरा क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है और यहां पर मेरा दशमलव के बाद 4 अंक है, ठीक है। और हमको सारे को हमको जो है जोड़ना है। तो हम यहां ये देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम इसको भी 4 अंक बना लेते हैं। तो 4 अंक बनाने के लिए हमको यहां पर 2 हमको जो है 0 बैठाना पड़ेगा, ठीक है। 0 बैठाने से ये होगा कि हमको ये संख्या में कोई अंतर नहीं होगा जो है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई यदि संख्या है उसके बाद हम 0 हम बैठाएंगे तो उसमें हमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ मेरा दशमलव के बाद मेरा जो है वो 4 अंक हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 अंक है तो हमको यहाँ पर एक और जो है हम 0 बैठा दिए, 4 अंक हो गया मेरा, ठीक है। अब सारे को हमको जो है जोड़ना है। कुछ समय के लिए हम ये सोचते हैं कि मेरा दशमलव ये संख्या है ही नहीं, तो है ही नहीं तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका हम एडिशन में हम जो है हम आपको वीडियो बना के दिखा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो मेरा देख लेंगे। तो देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं, ये मेरा 7 हो गया, 7 में 0 जाएगा 7 ही रहेगा, यहाँ 0 जाएगा 7 ही रहेगा, मैं यहाँ 7 लिख दिया। यहाँ देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ 2 है, 4 हो गया, और यहाँ 0 है तो मेरा 4 ही रहेगा। यहाँ मेरा 1 है और 1, 2 हो गया और 9, 11, 11 के 1 हम लिख देते हैं और मेरा हासिल कैरी ओवर जो है मेरा हासिल 1 जो है वो हो जाएगा। यहाँ मेरा 0 है और 1 हासिल आएगा, तो 1 हो गया, 1 और 4 5, और 5 और 3 8, 8 यहाँ हम जो है लिख दिए। यहाँ देख रहे हैं कि मेरा 3 है और 2 5 है, अब 5 और 1 6 है, 6 यहाँ हम लिख दिए। यहाँ मेरा 5 है और 4 है, 9 हो गए, और 9 और 3 12, 12 के हम 2 लिख दिए और मेरा 1 हासिल आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। यहाँ 1 और 1 हासिल 2 हो गया और 6 8, 8 यहाँ हम जो है वो लिख दिए। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद मेरा 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है तो यहाँ पर हम इधर से हम जो है 4 गिन के यहाँ हम जो है दशमलव बैठा देते हैं यहाँ पर, तो मेरा संख्या हो जाएगा 826 दशमलव 8147। एक चीज आप लोग को बता दें कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो है, दशमलव के बाद जो है उसको हम पढ़ते हैं, अलग अलग संख्या को तोड़ के पढ़ते हैं, ये नहीं कि 826.8147 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, 826.8147 पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरे प्रश्न में जो है, ये मेरा प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस संख्या में इसको घटाते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं, ठीक है, वो भी अलग एक जो है नोटपैड पर लिख करके उसको ये करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो है आप डायरेक्ट आंसर में ही लिखेंगे जो है, जैसे मैं ये क्वेश्चन बताया हूं जो है उस तरह से जो है। अब यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के बाद मेरा जो है कितने अंक है, 2 अंक है,
यहाँ मेरा इसमें मेरा 3 अंक है और इसमें मेरा 3 अंक है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे यहाँ पर हम इसको 3 बना लेंगे। 3 बनाने के लिए एक हम 0 है, 0 रख देंगे। अब हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि हमको ये संख्या दिया हुआ, इस संख्या में कितना घटाएंगे कि मेरा ये संख्या में इतना घटाने के बाद दोनों संख्या मेरा वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर हम यहाँ पर हम जो है एक्स लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो हमको पता है कि माइनस को जो है हम बराबर के इधर करेंगे तो मेरा वो प्लस हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों संख्या को, इस संख्या को और इस संख्या को हम इधर भेजेंगे तो साइन मेरा बदल जाता है। ठीक है, तो हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब सारा चीज हम मन में ही करेंगे। तो जब हम इसको इधर भेजेंगे, इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये मेरा साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, घटाव का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर हम घटाव हम लिख देंगे, और ये इसको हम जो है इधर भेजेंगे तो ये मेरा घटाव है तो ये मेरा जोड़ हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम जो है ऐसे लिख लेंगे जो है। अब हम जो है डायरेक्ट हम जो है वो जो हम आपको जोड़ के वीडियो में मैं बताया था वही तरीका हम अपनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देख लेंगे, और मैं फिर एक बार जो है उसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि बताने का। अब देखिए यहां पर मेरा 1 है। ठीक है, चिन्ह को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे जो है, चिन्ह को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर मेरा 1 है, 1 है यानी कि ये जोड़ 1 है, यानी कि ये मेरा प्लस 1 है। ठीक है, और यहाँ मेरा माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर मेरा ये समझिए कि माइनस मेरा 4 है। तो -4 में से जो है हम जोड़ 1 घटाएंगे तो मेरा -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा, और यहाँ भी मेरा जो है वो 0 ही है तो मेरा -3 हो जाएगा। तो -3 को हमको जो है -10 बनाना है, तो कितना डालेंगे, -60 डालेंगे तो मेरा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको माइनस लिखना नहीं है, सिर्फ हमको 7 लिखना है, और ऊपर में हम याद करने के लिए हम -1 जो है हम रख देंगे क्योंकि मेरा एक माइनस वाला हासिल बचा हुआ है। अब यहाँ देखिए यहाँ मेरा +3 है और -1 घटा देंगे तो मेरा यहाँ 2 बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ मेरा -7 है। तो -7 में हम ये करेंगे तो मेरा -5 हो जाएगा। -5 में जो है फिर हम जो है वो जोड़ 3 करेंगे तो मेरा 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -2 में जो है हम 8 डालेंगे, 8 डालेंगे तो मेरा -10 हो जाएगा, और एक मेरा हासिल बचा है। यहाँ देखिए मेरा 0 है और यह मेरा -4 है, -4 और एक हासिल, -5 हो गया। -5 में से जो है हम जो है वो +2 को हम जोड़ देते हैं तो मेरा -3 हो जाता है। -3 में हम फिर जो है वो 60 डालेंगे तो मेरा -10 हो जाएगा, और हासिल मेरा -1 फिर रहेगा। अब यहाँ देखिए मेरा +9 है, और +9 में से हम -1 घटा देते हैं तो मेरा 8 हो जाता है। 8 में से फिर हम -1 घटा देते हैं तो मेरा 7 बचता है। 7 में से जो है वो 6 हम जो है जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है मेरा, 13 हो जाता है। तो 13 के जो है हम 3 लिख देते हैं और हासिल मेरा प्लस में 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए 4 है और एक हासिल हो गया, 5 हो गया। 5 में से जो है हम -4 को घटा देते हैं तो मेरा 1 बचता है। 1 और 7 मेरा कितने होते हैं, 8 हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए मेरा 1 है और यहाँ पर मेरा कितना है, -8 है। तो इसको हम जो है जोड़ते हैं तो मेरा -7 बचता है, -7 हो गया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि मेरा 13 है तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव हम जो है बैठा दिए, डायरेक्ट आप आंसर तक चले गए। अब देखिए तीसरे प्रश्न में जो है, तीसरे प्रश्न में क्या है कि 432.4 है और जोड़ 53.6 है और भागा 6.7 है। अब यहां पर देखिए
कि हमको पता है कि बोडमास का नियम में हम पहले जो है वो भागा का काम करते हैं, ठीक है। तो हम बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये जुटेगा नहीं, उसके बाद भागा देंगे, ये नहीं होगा। पहले हम ये जो है ये इसके हम पहले काम कर लेंगे, ठीक है। इसको हम भागा देते हैं तो मेरा 53.6 है, अब भागा 6.7 है, ठीक है। अब हम इसको हम जो है हमको भागा देना है, तो भागा देने का भी बहुत सा आसान तरीका है, क्योंकि तो ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे करके वो भागा लगते हैं देने के लिए, जो उसको नहीं ये करना है। यहाँ पर जस्ट हम जो है ना थोड़ा सा हम जो है ये मन में ही थोड़ा सोचते हैं और डायरेक्ट मेरा यहाँ पर जो है बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा देख लिए हम दशमलव को, यहाँ हम भूल जाते हैं, चाहे ये दशमलव के बाद ये है तो इसको हम हटा ही देते हैं, दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा हो गया 536 अब बटा 67 हो गया है, ठीक है। यदि हम 67 को हम 10 से गुना करेंगे तो मेरा 670 हो जाता है, तो 670 से मेरा ये जो है 536 जो है वो कम है, ठीक है। तो कम है तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम ऐसा क्या संख्या इससे हम गुना करेंगे कि मेरा अंत में मेरा 6 आएगा, ठीक है। तो यदि हम 9 से गुना करते हैं तो मेरा 9×8=72 होता है, जो कि यहाँ इकाई संख्या में 2 आएगा, तो ये मेरा नहीं होगा। 8 से गुना करते हैं तो मेरा 8×7=56 होता है, यानी कि 8 से गुना हो सकता है, ठीक है। अब 8 से गुना करके हम देख लेते हैं कि ये मेरा 536 आता है कि नहीं आता है, तो देखते हैं कि 8×7=56 के 6 और 8×6=48 और 5×53 मेरा हो जाता है। तो ये मेरा डायरेक्ट यहां से ये जो है ये मेरा कट के हुए 8 हो जाता है, ठीक है। अब 8 को हम किसको जोड़ देना है, तो 8 और मेरा 432 में 8 जुड़ जाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 440, सॉरी 440 और 0.4, ये मेरा जो है वो आंसर आ गया। अब देखिए चौथे प्रश्न में क्या है, चौथे प्रश्न में 2×0.02×0.002 इसको हमको गुना करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को हम जो है वो भूल जाते हैं, तो 2×2×2 कितने होते हैं मेरा, 8 होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेरा दशमलव का हम मेरा जो है कैसे करते हैं, तो यहां पर देखते हैं कि दशमलव के बाद मेरा यहाँ 3 अंक है, यहां पर मेरा दशमलव के बाद 2 अंक है और यहां पर मेरा है ही नहीं, तो ये गुना है, तो गुना में दशमलव को हम जोड़ते हैं, तो 3 और 2 5, यानी कि 5 अंक के पहले मेरा दशमलव होंगे, तो 1 अंक तो मेरा 8 हो गया है, यानी कि और हम 5 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, और हम जो है पहले 4 को और 0 बैठा देंगे। अब मेरा हो जाए ये मेरा जो है वो आंसर हो गया। अब देखिए पांचवे प्रश्न में, पांचवे प्रश्न में क्या है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि 17.007 है, अब भागा है 0.07 है, अब बराबर क्वेश्चन मार्क है और यहां पर गुना 10 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ऐसे यहां हम मन में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम समझाने के लिए हम आपको जो है यहां लिख ले रहे हैं, तो 70.007 है, भागा का चिन्ह है तो हम बट्टा करके जो है 0.07 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद इधर में जो है वो मेरा 3 अंक है, तो यहाँ पर गुना के में जो है हम 1 पर 3 0 हम बैठा देते हैं। अब ये मेरा दशमलव हट गया है, नीचे में देख रहे हैं कि मेरा दशमलव के बाद जो है 2 अंक है, तो नीचे का हम ऊपर में जो है गुना जो है हम 1 पर 2 0 बैठा देते हैं। अब ये 2 0 से ये 2 0 मेरा कट गया, ठीक है। तो अब मेरा नीचे 7 हो गया और ऊपर में मेरा जो है वो, तो 7 से हम काटते हैं तो ये मेरा मेरा एक बार में जाएगा और 3 0 यहाँ आ जाएगा और 1 हो जाएगा।
और यहां पर अब देखिए कि मेरा एक अभी 10 बचा हुआ है, ठीक है। और यहां हम यहां एक चीज और भी कर सकते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन मार्क है और गुना यहां 10 है, बराबर के बाद इसको इधर लाएंगे तो मेरा भाग हो जाएगा, यानी कि एक हम यहां 10 को जो है ना हम भाग में भी कर सकते हैं। तो अब मेरा क्या हो जाएगा कि 10 गुना 10 हो गया, यानी कि 100 हो गया मेरा, नीचे में 100 हो गया। तो यहां देख रहे हैं कि मेरा 100 हो गया, यानी इसमें 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद पहले जो है हम यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे यहाँ पर, तो मेरा आंसर हो जाएगा 100 दशमलव 01। यहां भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि जैसे ये इस प्रश्न में जो है इस प्रश्न में गुना है तो हम दशमलव को जोड़ दिए, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है भाग है, यहां भाग है तो क्या हो दशमलव घट जाएगा, तो घट के क्या हो जाएगा यहां पर मेरा 3 3 है, यहां 2 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा दशमलव घट के क्या हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा 7 0 0 0 7 हो जाएगा, ठीक है, और भागा मेरा जो है वो 7 हो जाएगा, 7 को यहां पर मेरा 1 अंक यहां दशमलव यहां यहां रहेगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो मेरा 1 0 0 0 0.7 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, और ये इसको भी हम इधर लाएंगे तो मेरा इधर आकर के ये मेरा गुना 10 हो जाएगा, ये मेरा भाग हो करके, ठीक है, और इसको फिर हम यहाँ करेंगे तो मेरा दशमलव यहाँ आकर के बैठ जाएगा, तो मेरा आंसर यही होगा, ठीक है। अब देखिए छठे प्रश्न में क्या है, छठे प्रश्न में है 5400 भागा 0.9 भागा 0.3 है, ठीक है। तो इसको हम समझाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहां पर 5400 भागा 0.9 यहाँ गुना 0.3 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप काट देते हैं तो इसको करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा आपका 5400 भागा 0.27 हो जाएगा, और 27 से हम काट देंगे तो 2 बार में जाएगा 200 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पर, तो 2 और 0 बढ़ जाएगा, तो मेरा 2000 हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं, 5400 भागा, तो इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे हम 1/9 लिख देंगे, दशमलव 9 यहाँ हो जाएगा, और गुना 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी करेंगे तो मेरा वही आएगा, तो मेरा लास्ट में मेरा जो है वो 2000 आएगा। तो इस तरह मैं आपको और भी क्वेश्चन बताता रहूंगा, इंतजार करें दशमलव के भाग 2 में, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।